नमस्कार, स्वागत और आदाब। दुनिया के सबसे पसंदीदार कार्यक्रम पल्लू के नीचे क्या है, मैं वैक्सीन कुमार आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो हमारे साथ गेस्ट है उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबके दिल, दिमाग और लंग्स में बसे हुए हैं। तो फिर शुरू करते हैं, थोड़ा थोड़ा सैनिटाइजर लगा के। तो तालियां बजती रहनी चाहिए। आई सेड तालियां बजती रहनी चाहिए। The clapping should never stop, because अब हमारे सामने आ रहे हैं कोरोना जी। अरे वैक्सीन भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हमको एक बात तो बताओ कि ये टंगना और टिया के बीच में हमारे लिए कैसे टाइम मिल गया है? अरे कोरोना जी, फालतू का सवाल पूछने लग गए। हमारे चैनल पे सिर्फ मैं ही सवाल पूछ सकता हूँ, आप नहीं पूछ सकते। और हाँ, एक और डिस्क्लेमर, अननेसेसरी सिर्फ मैं ही चिल्ला सकता हूँ, आप नहीं चिल्ला सकते। एडिटर, ये पार्ट को काट देना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोरोना जी, सबसे पहला सवाल जो दुनिया जानना चाहती है आपसे कि आप आए कहां से, वेयर डिड यू कम फ्रॉम। जवाब दीजिए कोरोना जी, जवाब दीजिए। देख रहे हैं आप, इनके पास कोई जवाब नहीं है। चुप बैठे हैं ये, इनके पास कोई भी जवाब नहीं है। वाह 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 कोरोना जी। लेकिन कोई नहीं, हमारा चैनल ये पता करके रहेगा कि आप आए कहां से। चलिए छोड़िए, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, हमें बैंड्रा भी जाना है। तो अगला सवाल कोरोना जी, आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है? हाँ, थोड़ी सी भी शर्म कि लाइक इतनी तो शर्म आ जाए। हाँ, यू कोल्ड हार्टेड, आप इतने क्यों फैल रहे हैं? हाँ, लोग मर रहे हैं, हाँ फैमिलियां उजड़ रही है, लेकिन नहीं, हमें तो शर्म है ही नहीं। कोरोना जी, ऐसे नहीं चलेगा। आप सोचते हो कि आप फैलते जाओगे और हम कुछ नहीं करेंगे, हम आपको एक्सपोज करेंगे। आप देखिए हम आपको कैसे एक्सपोज करते हैं। कोरोना जी, चुप। कोल्ड हार्टेड बोलता है मेरे को, है? मैं फैला खुद, तुम लोग फैलाए मेरे को इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर। अबे अच्छा खासा लॉकडाउन चल रहा था, लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो बोर हो रहा था। और मोदी जी को जो है तुम्हारी बहुत चिंता है। लेकिन तो मोदी जी क्या बोले तुमको कि हाथ में चम्मच लेके आओ, थाली लेके आओ और गैलरी में आके कुछ जोर जोर से पीटो, तो भैया यूनिटी वाली फीलिंग आएगी। लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो भैया मजे करने, तुम लोग ने क्या किया, बड़े बड़े रॉड लिए, बड़े बड़े थालियां ली और कूटा कूटा उसको तोड़ दिया। बहुत मजे किए, कुछ कुछ लोगों ने तो ड्रम बजाए, कुछ कुछ लोगों ने म्यूजिक बजाया, नाचे कूदे। अबे ये मजाक चल रहा है भैया, है त्योहार चल रहा है, ये मेरी कोई इज्जत है कि नहीं? लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो भैया मजे करने। और इतने से पे तुम लोगों का मन नहीं भरा, तुम लोगों ने आगे क्या किया, आगे तुम लोगों को एक महीने के बाद और बोर हुआ, तो मोदी जी बोले कि इस बार अलग करते हैं, इस बार करेंगे कि दिए जलाएंगे, तो और यूनिटी वाली फीलिंग आएगी। लेकिन तुम लोगों ने क्या किया, पटाखे जलाए हैं, जोर जोर से होली जलाई, बहुत मजे किए, एक दूसरे के गले मिले, रैली निकाली। अबे त्योहार चल रहा है, तुम लोगों को हर वक्त मजे चाहिए, कैसा देश है भाई, मेरी कोई इज्जत तो करो। और मेरे को बोल रहे हैं मैं खुद फैला, और इतने समय तुम लोग रुकते नहीं हो, ये देखो वीडियो देखो। 5 अप्रैल को मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैश लाइट 9 बजे 9 मिनट तक जरूर जलाएं। देखो इन्हें, ये हैं ओस की बूंदे, पत्तों की गोद में आसमां से कूदे। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना। कर नाजुक से मोती, कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। तारे जमीन पर ये तो है सर्दी में धूप की किरणें।
देख लिया वीडियो और उसके बाद सुनो, बर्थडे पार्टी शादी ये अगर एक साल के बाद कर लोगे तो कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन नहीं भैया हमको तो आज ही करना है। अभी पटना में एक शादी हुई, उसमें पता है दूल्हा ही मर गया इन्फेक्टेड होके। और करो शादी और करो है। और बात सुनो, बाहर जब होते हो तो क्या बोलते हो कि माँ के हाथ का खाना खाना है, मम्मी के हाथ का खाना मिलता नहीं। अभी घर पे खाना मिल रहा है तो वो नहीं खाएंगे, हमको तो भैया बाहर जाके पिज्जा ठूसना है। और घर वालों के साथ इतना अच्छा वक्त मिला तो वो बिताएंगे नहीं, हमको तो भैया बाहर वालों के साथ जाके मुंह मराना है तो बाहर जाएंगे। और मेरे को बोलते हैं, ना जी आपने तो क्या ही जवाब दिया है, एक नंबर अव्वल। लेकिन ये सब का टाइम नहीं हमारे पास, बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। तो खुराना जी, मतलब इसका सोल्यूशन क्या है, लाइक व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अस टू डू, बताइए खुराना जी, द नेशन वांट्स टू नो। आ गए लाइन पे वैक्सीन कुमार, हैं हमसे सोल्यूशन पूछ रहे हो। अबे वैक्सीन कुमार नाम रखने से कोई वैक्सीन नहीं हो जाता, समझ रहे हो। चलो ठीक है बताते हैं, सबसे सोल्यूशन इम्पोर्टेंट ये है भैया कि बाहर जाना कम करो, दोस्तों से मिलना कम करो है, और ना ये बर्थडे पार्टी शादी इसको ना एक साल पोस्टपोन कर दो। और मास्क, हमको तो भैया पिंक साड़ी पे पिंक मास्क चाहिए, व्हाइट साड़ी पे व्हाइट मास्क चाहिए। अबे पहनो भाई, लेकिन उसको सिर्फ फैशन मत बनाओ है, उसको नीचे मत झुलाओ, उसको ऊपर पहनो, समझ रहे हो। और दूसरा पॉइंट है सैनिटाइजर, भैया उस बेचारे की तो तुमने इज्जत बेच खाई है, कुछ लोगों ने तो सैनिटाइजर पी लिया, देखो वीडियो। देख लिया वीडियो। और सबसे मतलब ये कौन सा गोला है भाई, ये कौन सा गोला है, मेरे को ये बात नहीं समझ में आती। कुछ लोगों को ना दारू नहीं मिली चार महीना तो उन्होंने सैनिटाइजर पी लिया क्योंकि उसमें अल्कोहल होता और मर गए। मतलब मरने के लिए तुमको मेरी जरूरत है ही नहीं है, मेरी तो कोई इज्जत है ही नहीं। भैया एक काम करो, एक्सरसाइज स्टार्ट करो, डोले शोले बढ़ाओ हमसे लड़ने के लिए है, अच्छा खाना खाओ, मम्मी के हाथ का बेसन के लड्डू खाओ है, फल वल खाओ, तब जाके ना तुम्हारी इम्यून पावर बढ़ेगी, समझ रहे हो। और ना विटामिन खाओ विटामिन, और अगर तुमको पता नहीं ना कौन सा विटामिन खाना है तो हमको पूछ लो, हम बता देंगे कि हम किससे डरते हैं। और ना बाहर झांकना थोड़ा बंद करो और अंदर झांको, अपने सांसों को देखो, लंबी लंबी सांसें लो, मेडिटेशन करो, तब जाके ना तुम्हें इम्यून पावर बढ़ेगी और तुम हमसे लड़ पाओगे और बचोगे, समझ रहे हो। पूछ रहे हैं सॉल्यूशन। वाह कोरोना जी, आप तो बड़े स्मार्ट निकले, मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा। तो चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल कोरोना जी, हेलो क्या एयरपोर्ट पहुंच गई? हाँ तू पिंटू को बोल पीछे से कवर करने है और मिंटू को बोल सामने से कवर करने है। हाँ अरे फेस पे मारना, मैं आ रहा हूँ अभी अभी, कैमरा लेके। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ, बाय बाय बाय।